राधे राधे जी, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राधिका वीर मोमेंट बालियान फैमिली। तो जी कैसे हो आप सब। सर्दी में ठंड से बच के रहना, बहुत ही ठंड हो रही है सच में, कुल्फी जम रही है। हाथ वहाँ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, इतने ज्यादा ठंडे हो रहे हैं। ये बच्चों को नहला दिया मैंने। हाय बोलो। राधिका भी बैठी है, टावल लपेटा हुआ है। आज उसके हेयर वॉश किया क्योंकि संडे है ना, कल स्कूल जाना है। तो फिर सुबह का टाइम मतलब हेयर वॉश कर तो देते हैं बच्चों को, कि सूखते नहीं है, तो इसलिए बस आज छुट्टी है। छुट्टी वाले दिन मैंने हेयर वॉश कर दिया इसका, नहा भी चुकी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल कह दूंगी। ठीक है, तो ठंडी बहुत ज्यादा हो रही है, धूप के कहीं तक भी लक्षण नहीं है, अभी तक दिखाई भी दे रहे सूर्य देव। घटा सी हो रही है, मतलब कोहरा तो है नहीं, ये तो कोहरा आसमान में ऊपर चढ़ गया और घटा हो रही है, बहुत ही धूप के लक्षण नहीं है। कपड़े धो रही हूँ, मशीन चला रही है मैंने, तो देखिए कितने कपड़े। ये ज्यादा दिन के कपड़े नहीं है, बस ये 2 या 3 दिन के कपड़े हैं, और मशीन चलने लग रही है, मशीन में डाले हुए हैं कपड़े। और देखिए मौसम कितनी घटा हो रही है, कहीं तक धूप के लक्षण नहीं है। सूर्यदेव भी दिखाई नहीं दे रहे बिल्कुल भी, मौसम भी ऐसा ही हो रहा है। पता नहीं कब कैसे सूखेंगे कपड़े, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म है। सब ज्यादा टेंशन बच्चों की यूनिफॉर्म की रहती है मुझे, मतलब यूनिफॉर्म तो बाकी सूख भी जाए पैंट शर्ट तो, लेकिन जरकिन जो इनकी जैकेट है यूनिफॉर्म वाली, वो थोड़ी मोटी होती है ना, तो पता नहीं वो सूखेगी भी नहीं, अगर धूप निकलगी तो सूख जाएगी। क्योंकि बच्चों को कल स्कूल जाना है, एग्जाम तो इनके हो चुके हैं, कल लास्ट एग्जाम था सैटरडे में, और आज संडे है, और कल को मंडे में स्कूल जाना है। अगर धूप निकलगी तो सूख तो जाएंगे कपड़े इनकी जैकेट वगैरह, वरना फिर पता नहीं क्या पहन के जाएंगे अगर ना सूखी तो। और मेरी किचन ऐसी पड़ी है सारी, ये देखिए अभी बर्तन भी वॉश नहीं किए, सिंक भरे हैं बर्तनों से, क्योंकि लाइट के आते ही मैंने पहले तो बच्चों को नहलाया, क्योंकि मैंने सोचा कि कपड़े धोंगी फिर बच्चों के कपड़े भी धुल जाएंगे, इन्हें नहला दूं पहले। तो लाइट 9 बजे लाइट आई, मैंने मशीन चला के बच्चों को नहलाया, पहले कपड़े धुलते रहे बच्चे, बच्चों को नहलाया, फिर उसके बाद तब अलग हो गया अब रसोई में बर्तन साफ करने, रसोई साफ करने, फिर उसके बाद कपड़े वपड़े धो के तब दोपहर का खाना बनेगा। सुबह का तो सारा काम मतलब नाश्ते पानी का काम हो चुका है, बस रसोई में रहना है, सफाई करनी और बर्तन साफ करना, बस करती हूँ। आज दोपहर के खाने में बना रही हूँ मिक्स वेज, मिक्स सब्जी, जिसमें कि मैंने शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, मटर, टमाटर और आलू, ये सभी सब्जियाँ ले ली हैं। और राधिका वीर भी मेरी हेल्प करा रहे हैं मटर छीलने में, क्योंकि मैं कपड़े भी धो रही थी साथ के साथ, सब्जी भी काट रही थी, तो मैंने मटर दे दी छीलने के लिए। तो जी मिक्स सब्जी मैंने काट ली है, देखिए कपड़े धुल गए मेरे, 1 बज गया पूरा, 1 बजे तक धुले कपड़े। कपड़े धुलने के बाद मैंने मतलब कपड़े धुलते धुलते सब्जी भी काटती रही, कपड़े धोने में टाइम इसलिए लग गया ज़्यादा, बिजली चली गई थी बीच में, भाग गई थी लाइट कम से कम 1 घंटे से थोड़ा कम, इतनी देर तक भागी रही, वरना कपड़े धुल जाते पहले ही मेरे। तो अब मैं सब्जी बना रही हूँ, मैं अंगीठी पे कढ़ाई में, और मैंने सब्जी काट ली है। सब्जी में है शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, मटर, टमाटर, आलू,
सेम की फली मिली नहीं सब्जी के पास, सब्जी वाले के पास, तो फिर मैं ये सब मिक्स सब्जी बना रही हूँ। और सब्जी बनाऊंगी मैं सिर्फ टमाटर और जीरे में छौंक के, इसमें प्याज लहसुन नहीं डालूंगी। तो बस छौंकती हूँ। अंगीठी मैंने आग जला दी है, कढ़ाई रख दी है, अंगीठी में आग जला के मैंने कढ़ाई रख दी है, और हवा की वजह से ना बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है अंगीठी में। तेल गर्म हो गया है और मैंने छौंक के ले लिया है ये तेज पत्ता, दालचीनी, छोटी बड़ी लौंग, इलायची और काली मिर्च, जीरा। धुआं आ रहा है मुंह पर बहुत ही हवा की वजह से। टमाटर कट कर लिए हैं, फिर टमाटर डालूंगी। सब्जी में डालने के लिए मैंने सभी मसाले ले लिए हैं, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डाल देती हूँ। ये नमक भी डाल दिया है मैंने। मटर भी डाल देती हूँ। मटर मैंने थोड़ी ली है क्योंकि बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते, राधिका और वीर बिल्कुल मटर पसंद नहीं करते, इसलिए। तो सब्जी छौंक लिए मैंने, कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब इसमें पानी डाल के इसको ढक दूंगी मैं। क्योंकि कढ़ाई में बना रहे हैं तो थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। इसको ढक देती हूँ थाली से, इसमें सब्जी काटी थी मैंने, उसी थाली से ढक देती हूँ। तो सब्जी हमारी बन चुकी है, इसको मैं बीच बीच में चलाती भी रही ढकने के बाद। अब ये बन चुकी है और ऊपर से अब इसमें हल्का सा गर्म मसाला डाल दूंगी और हरा धनिया डाल दूंगी। तो जो ये मेरी वीडियो है, ये बहुत टाइम पहले की बनी हुई थी, संडे की, शायद संडे की बनी हुई थी, पिछले संडे की, तो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी इसको। और तो फिर आज इसको अपलोड कर दी मैंने, बहुत छोटी वीडियो है। तो बस अब आप अपनी वीडियो को बस अब यहीं पर रोकती हूँ, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।